सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहेब सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ते समुची कांग्रेस की लीडरशिप साडे सीनियर आगू साहबान एमएलए साहबान अज दा जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा मकसद है तुसी सारे जानते हो। बहुत ही माड़ी गल जिहड़ी कि हमेशा फोकी मशहूरी वाली सरकार करती है आपके एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान हुरा ने अज फिर साडे एक बहुत ही सत्कारयोग लीडर डिप्टी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी जी नूं उन्हां ते मुकदमा दर्ज करके आपकी स्टोरी के मुताबक आपकी स्क्रिप्टेड स्टोरी के मुताबक और मशहूरी के मुताबक उन्हां नूं कल चंडीगढ़ विखे उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। और पहला भी साडे बहुत सारे लीडर साहबान इन्होंने गिरफ्तार किए यही डिसप्रपोर्शनेट एसिड दे केस बना बना के और ये विंडेटा पॉलिटिक्स जिहड़ी है टोटल बदला खोरी दी नीति नाल पंजाब दा मुख्यमंत्री ए साडे लीडर साहबाना ते कार्रवाई कर रहे ने। और जेड़ी गल इन्हां नूं और इन्हां दे आकावां नूं चंगी नहीं लगती एक कुमार विश्वास तो लैके ते बग्गे तो लैके तुसीं देखिया होणा किस प्रकार दिल्ली तो जदों कार्रवाई काम शुरू कीता सी फिर हाई कोर्ट ने उन्हां नूं राहत दित्ती और उस तों बाद साडे लीडर साधु सिंह धर्मसोत तो लैके ते अज सोनी साहब तक बड़े वड्डे वड्डे इल्जामात लाउण दे बावजूद 2000 करोड़ का लाया किसी ते 100 करोड़ का लाया लेकिन जीरो रिकवरी प्राप्त हुई और समय समय सर जदों विजिलेंस ने सद्या उन्हां नूं तमाम कागज मुहैया कराउण दे बावजूद अज एक कार्रवाई कर दिती गई। एक तरफा फैसला विजिलेंस कहती है हमेशा कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति जिन्हों उड़ाड़ा नहीं पता इकोनॉमिक्स का हिसाब का क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखना है वो हर व्यक्ति ते एक तरफा बयान दे देंगे कि 7 करोड़ रुपए का फलाने व्यक्ति की जायदाद च वाधा होया बिना किसी तथ्यों को और बहुत सारे साथी एक तरफा चला देंगे ने असी कहने जी अगर 7 करोड़ रुपए की साडे सीए नाल बैठन पर आमने सामने गल करन हिसाब किताब किताबां दे राहीं ओ जेड़िया कोई पैसा हुंदा ओ तां गिना दिंदे आ पर जेड़ा बोरोइंग हुंदी है जां पैसे लए हुंदे आ जां आए हुंदे आ कित्थों आए आ ओ बिल्कुल नहीं दिखाउंदे। इसे तरह ओ डीए दा मुकदमा रोजाना हर रोज बनाउंदे तुरे जा रहे पहला कहंदे सी सोनी साहब दा हैल्थ दा मुकदमा है हैल्थ डिपार्टमेंट दा उत्थे बड़ा कुछ होया फिर जदों कुछ नहीं मिलिया उन्हां फाइलां च उन्होंने आख्या भी जे फड़ना ही है सोनी साहब नूं ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੌਰਾ 21 ਹਾਲਾ ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾ ਪੀਏ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 6 ਵਾਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ
पर सारा शहर जानता है कि सोनी साहब ने केड़ी जायदाद बनाई है, कित्थों बनाई है, लिया के दिखाउण प्रेस दे सामने बैठन। ये नहीं जा कोई भी पुलिस का मुलाजम खड़ा होकर एक बयान दे दे। पुराना सिस्टम 1% सक्सेस रेट। हां जी एक बारी पर्चा देके जेलां दी खज्जल खुआरी फलां ये वो उम्र दा अंदाजा नहीं देखा गया। 68 साल का व्यक्ति है जिन्हें आपके दामन ते एक चिट्टा दाग नहीं लगन दिता, अज उन्हूं फड़ के डीए दे केस अंदर कर दिता गया। ए डाइवर्ट कर दी है रियल इशू। सो अज पानी का बहुत वड्डा इशू है, सारा पंजाब पोल खुल गई है, सारा पंजाब डुब्या पे, किसान मर रहे हैं, लोग डिग पे, लोगों ने घर टुट गए, सरकार राहत देवे, मुआवजा देवे, डाइवर्ट करता। रियल इशू की है, लॉ एंड ऑर्डर का रियल इशू है, हेल्थ का रियल इशू है, टीचर कुटे जा रहे, पगां पाड़तियां, चुनिया पाड़तियां, इना तो कदे किसी सरकार च नहीं होया। किसान खुशियां फेर कर रहे हैं, ए उन्ना तो सारे त्यों दे त्यों मुद्दे उत्थे पए है, हेल्थ दा इशू, एजुकेशन दा इशू, लोग बाहर धड़ा धर फिर जा रहे। तो कहंदे सी गोरे, भगवंत मान जी कहंदे सी गोरे आया करनगे, 500-500 मुंडा एक पिंड चो बाहर आ रहा है, रोज आर्टिकल छप रहा है, कोई इहदे ते गल करन लई तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री डेली एक बंदा फड़दा ते जान बुझ के गल नूं डाइवर्ट करन दे मारे ठोकी मशहूरियां वाली सरकार आपदियां मशहूरियां करदी है। आ टोल प्लाजा ते मैं कहा उथे जाके गया, असि टोल कोई लाया ही नहीं 5 साल साडी सरकार ने, ते तुसी 50 लाख रुपए का खर्चा कर दे उथे जाके, असि एक भी टोल नहीं लाया 5 साल। बीजेपी अकाली दल दे वेले टोल लगे हुए, मेरा मतलब मुख्यमंत्री हुण साहब इन्ने वेले भी हर टोल बंद ते जाया करनगे, हर बंदे नूं जान पुछ के टारगेट किया जा रहा है। पर असी लड़ाई लड़ांगे, अज असी सारे इकट्ठे होके सोनी साहब के नाल असी खड़े हैं, चटांग देवा, कोई फर्क नहीं गा, 2 महीने अंदर जाना पएगा, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। मैं कहना उन्ना चिर किसी व्यक्ति नूं गुनेगार नहीं समझना चाहिदा जिन्ना चिर अदालत गुनेगार ना उन्हूं साबित कर दे। FIR करना वो तो सरकार की मर्जी है, जो मर्जी किसी ने FIR कर दे, पर असी लोग इनकम टैक्स नूं हाए साल जो चुनाव लड़ते उदो आपका सारा ब्यूरो वेरवा दिने, फिर फड़न की लोड़ पेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यार, तुसी उन्हूं सद्दे भी तैनू असी गिरफ्तार करदा, जे 7 पेशियां ते डिप्टी मुख्यमंत्री पेश हो गया है, हुण भज्जण लगे जान बुझ के कि उन्हां नूं असी आप फड़िया जी, फलाने मॉल चो फड़िया जी, चंडीगढ़ फड़िया। सोनी साहब तां जा ही रहे सी, किते भज्ज थोड़ी रहे है। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸਭ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਸੋ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ मुख्यमंत्री साहब इन्होंने जान बुझ के एजेंडा फड़िया हुआ। और मैं तुम दस देना चाहना मुख्यमंत्री साहब, कोई फर्क नहीं है, जिन्ना किसी कदे किसी ने दबाने की कोशिश की है उन्नी उत्तेजना दे नाल उत्ते आया है। पर जिथे जिथे जिहड़ियां स्टेटां च पुराना इतिहास है इहो जे काम होए है उत्थे फिर लोगों ने मजबूती दे नाल पार्टियां दा साथ दिता है। सो सवाल बाद च मैं असी इस गल की निंदा करदे आं और असी सारी पार्टी एक मुट कठे होके जिथे जिथे साडे व्यक्ति दे नाल अत्याचार होएगा असी उथे नाल खड़े आं। राहुल गांधी जी ने, KC वेणुगोपाल जी ने, खरगे साहब ने मेरे नाल गल कीती है और उन्होंने कहा कि परिवार नूं साडे लो असी उन्हां दे नाल खड़े आं और पार्टी एक भी कदम पिछे नहीं हटगी। उथे तुसी सानू कहने सानू समर्थन दो, माड़ी करप्ट पार्टी दा ऑर्डिनेंस से समर्थन लेना चाहते हो, जो असि इन्ने चोर हैं, माड़े हैं, करप्ट है, तुसी साथो एक कहो एथिकली कि सानू कांग्रेस पार्टी दा ऑर्डिनेंस से समर्थन नहीं चाहिदा, उथे तुसी नाल बैठने हो। ते करदे बीजेपी की गल, जे धारा 370
पत्र की गल हुंदी है केजरीवाल साहब का समर्थन, सिटीजन बिल की हुंदी है केजरीवाल साहब का समर्थन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की गल हुंदी है केजरीवाल साहब का समर्थन। तो साडा तो समर्थन कदे नहीं बीजेपी नूं असीं दित्ता, असीं तां एथिक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। जे असीं इन्ने माड़े हैं उत्थे क्यों साडे तों समर्थन मंग रहे हो, उत्थे कह रहे हो कांग्रेस साडे नाल नहीं खड़ रही, असीं तां हमेशा बीजेपी दे नाल लड़े हैं। जिहड़ियां भी इहो जिहियां फोर्सेस हैगियां उन्हां सारे यूनाइटेडली अज इत्थे परिवार दे नाल हमदर्दी प्रगट करदे होए, परिवार दे नाल चटांग मान और सोनी साहब साडे बहुत ही अंथक बेनती और सीनियर लीडर बाजवा साहब। प्रधान जी ने सारी गल तुहाडे सामने रखी है, गल इस तरह के सारी समुची कांग्रेस निरी पंजाब दी नहीं हिंदुस्तान दी सोनी साहब दी पिट पिछे, ये साडे जिहड़े साथी नहीं साडे भरा भी ने। मैं समझना उन्हां दे अज मन दे विच की गुजरी होनी, 68 साल दी एज दे विच जिन्हां नूं हार्ट दा पेसमेकर ऑलरेडी पै चुके है, जिहड़े क्रिटिकल हालत दे विच बॉम्बे हॉस्पिटल च रहे सी। मैं एक भगवंत मान नूं इह गल चंगी तरह कह देना, भगवंत मान जो तूं इह काम कर रहे हैं इह तैनूं इहदी कीमत बहुत भारी भुगतनी पैणी, किसे गलत फहमी दा शिकार ना रह। ए शिकार होर भी पोलिटिकल जमातां दे लीडर रहे जिहड़े कहिंदे सी 25-25 साल राज कर, 10-10 साल बाहर हो गए ने, ते जिद्दण वारी आ गई तेनू इहदी बहुत वड्डी कीमत अदा करनी पैणी, इक चंगी तरह समझ। मैं एक होर अपने टीवी दे भरावां दे जरिए या प्रेस दे भरावां दे जरिए समुचे पंजाब नूं इह गल कहना चाहना, बकायदा तौर तुसी वेखो इन्हां दी डबल फेस्ड पॉलिसी, पहले इन्हां ने कुछ फाइलां कोशिश कीतियां खोलण दियां, फाइलां दे विच आईएएस अफसर काबू आ गए, सारे नो वड्डा पंजाब दा मौजूदा पंजाब दे विच स्कैम होया PSIEC दा स्कैम, जिहदे विच तकरीबन 5 तों 7 हजार करोड़ रुपया इन्वॉल्व। ओह मैं भगवंत मान नूं पुछना चाहना, भगवंत मान जी की गल उस आईएएस अफसर नूं अजे तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जी? वो लेडी आईएएस अफसर जिहदा FIR च ना है पिछले 6 महीनों का, तुसी इस गल कर गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उहदा घर दा भी आईएएस है, तेरे प्रिंसिपल सैकटरी ने, तेरे चीफ सैकटरी ने, सारे आईएएस इकट्ठे हो गए कि मान साहब जी इन्हां नूं हथ पाया साडी बरादरी नूं अहीं काम करना बंद कर दे। उस तों बाद एक बहुत वड्डा अमरूदा का स्कैंडल होया मोहाली दे कोल, एक 8 लेन सड़क निकलनी एयरपोर्ट तो शहर दे विच, जदों इन्हां आईएएस अफसरां नूं पता लगा इन्हां ने पहले वो जमीना खरीदियां, फिर किसी ने सलाह दित्ती कि जिहड़ी जमीन है इहदा मुआवजा ते कला नैशनल हाईवे तुहानूं जमीन दा देगा, जे होर एक्सट्रा पैसे लैने ने ते इहदे विच तुसीं बाग विखा दो लाया जी, एक किले दे विच 120 अमरूदा दे बूटे लगते ने एवरेज, इन्हां आईएएस अफसरां ने 1200-1200 बूटा एक किले चो विखा। मैं पुछना चाहना भगवंत मान नूं, तेनू ओम प्रकाश सोनी जी तो याद आ गए भगवंत मान, वो दो औरतां किथे ने? एक दा घर दा इस टाइम डिप्टी कमिश्नर लगा है तेरे नजदीक, एक तुहाडे इस टाइम एक्साइज दा कमिश्नर लगा है, की गल उन्हां दोनों दी जनानियां जिन्हां दा FIR च ना है अजे तक अरेस्ट क्यों नहीं कीतियां गईयां? उहदा मतलब है कि तुसी आईएएस, तुसी IPS, तुसी PCS इन्हां नूं प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ते इस गार यह जिहड़ा उदन दा इन्हां ने एक रुख बदल लिया कि फाइल ना कढ़ो कोई, जे फाइल कढ़ी ते पहले IAS काबू आने, मिनिस्टर को तो फाइल सारे नूं खीरते जांदी है, साइन होने तो बाद फिर थलों दी फाइल आंदी, उदन दा इन्हां ने स्ट्रैटेजी विजिलेंस ब्यूरो ने बदली, हथ ना पाओ तुसी हुण डिसप्रपोर्शनेट असैट्स का केस बनाओ। इस किसे केस वी कोई चीज साबित नहीं होनी, बट जान बुझ के सीनियर लीडरशिप नूं बदनाम करना चाहते, ये जान बुझ के कांग्रेस का, देखो एक वड्डी गल समझो, दो ही पार्टियां ने जिन्हां दा सैकुलर बेस है, बीजेपी का अकाली दल का बेस वक्र है, इन्हां दी कोशिश है कि पार्लियामेंट पोल्स तो पहले
असी कांग्रेस की लीडरशिप नू गिरफ्तार करिए, लोकां विच बदनाम करिए, इन्हां नू डिमोलिश करिए, इन्हां नू बैकफुट ते लिया के इन्हां दा काडर अपने नाल असी शामिल करिए, भावें सरपंच ने, भावें तुहाडियां कारपोरेशनां दे मैंबर ने, भावें तुहाडियां म्युनिसिपैलिटियां दे मैंबर ने, वड्डे पैमाने ते इह डिफेक्शन इस टाइम चल रही तुहाडे सामने। इह वी कड़ी जिहड़ी है, होर भी बहुत सारे बंदे जेड़े ने शहरां नाल तौलक रखदे साडे लीडर, उन्हां दी गिरफ्तारियां इन्हां ने करनी। राजा जी ने तुहानू बहुत सोहणे ढंग नाल सारी गल पेश कीती। मैं भगवंत मान नूं तीन चीजां दा जवाब मंगना चाहना। भगवंत मान, तेरे को निरी कांग्रेस नहीं, समुचा पंजाब मंग करदा, साडा दावा कि 500-550 करोड़ रुपया सीधे तौर शराब दे इस एक्साइज दे स्कैम चो तुहाडी पार्टी नूं जा रहे। तुसी 5% तो 12% जेडी करा ते इनक्वायरी भी सीबीआई नूं कला, आओ वेखीए किन्ना दुध दा दुध ते पानी दा पानी करन दी तू ताकत रखना। दूजी गल माइनिंग दे विच जिन्ना कच्चा माल है इस टाइम हिमाचल प्रदेश तो आ रहा, आनंदपुर साहब वाले बॉर्डर तो आ रहा, साडे जेडे नाल लगदा एरिया पठानकोट दा उथरों माल हिमाचल प्रदेश चो 70% आ रहा, कुछ जम्मू चो आ रहा, कुछ सारा हरियाणा दा बॉर्डर कर रहा। 2000 ट्रक हर रोज उन्हां कोलों सीधे तौर हर ट्रक तो वसूली करदे हो। 1 करोड़ अखबारां विचों ते टीवी तो तुहानू वापस आंदा। एक सीनियर अफसर की ड्यूटी लगी है कि 25% डिस्काउंट माल मालका दा मशहूरी कंपनी, और नाल तू मशहूरी करवाना है, नाल माल वापस लेंदे हो 225 करोड़ इहदे चों लेंदे हो। 1200 तो 1400 करोड़ रुपया शरेआम लुट अज पंजाब दी हो रही। तहसीलां च की हाल है, थाणियां च की हाल है, किसे नूं कोल लै जी। अजे हुणे ही एक लिस्ट विजिलेंस ब्यूरो ने पहले बाहर कढ़ी, फिर मुंह च पा के कागज खा गए। कुछ 56 तहसीलदार नायब तहसीलदारां दे नां, उन्हां दे विचोलियां दे नां लिस्ट चो बाहर कढ़े। फिर उते यह गल मीटिंग दे विच होई कि जे यह गल हो गई ते इन्हां तहसीलदारां ने यह जिहड़े लोग आम आदमी पार्टी दे मंत्री पैसे लै रहे ने उन्हां दे नां नशर हो जाने ने, वह सारी लिस्ट ही खा गए, चाबी गए। तो असी यह गल कहना चाहने आ, यह जिन्ना मर्जी तू कोशिश कर ले। और जिस तरह कई बार किसी ने शेर बोलिया, वह कहिंदे कई बार इरादे कीते ने कश्ती में अपनी डोब दिया, पर आकड़ वेख इन्हां लहरां दी, इहनूं पार लगाउणा पैंदा है, इहनूं पार भी लावांगे। जो तुसी काम फड़िया, एक पासे मदद मंगदे हो कांग्रेस की, दूजे पासे उन्हां ते ही रोज तुसी इह तंज कसदे हो। सो ए भगवंत मान जी, बहुता चेहरे काम नहीं चलना पैदा। तुसी खुशी नाल असी दोनों बैठे आ, समुची लीडरशिप बैठी है, जा तू अपना रांझा राजी कर लै, तू बाकियां नूं जू लैंदा, सारियां नूं गिरफ्तार कर, असी गिरफ्तारी देण नूं तैयार। चल जे तेरे दम है, तेनू ओपनली असी चैलेंज कर रहे, लिया सारे गिरफ्तार कर, दे डेट केड़े विजिलेंस से तेरे दफ्तर पहुंची है। जे तुसी यही काम ही फड़िया, एक पासे पंजाब डुब रहा, तू कदी प्राइम मिनिस्टर नूं अपील नहीं कीती कि 1 रुपए की मैनू पंजाब नूं अज लोड़ है, फसलां डुब रही, घर टुट गए ने, सड़कां टुट गई ने, लोग घरों बेघर हो गए ने, तू पंजाब दा ध्यान दूजे पासे खिंचन वास्ते सोनी साहब ही तेनू लभे ने। सानू बहुत भारी अफसोस है, बहुत अफसोस है कि बदलाव इस किस्म का लोगों ने कभी नहीं सोचा। बट एक गल चंगी तरह सुन लै, जिनी मर्जी प्रेस खरीद लै, जिन्ने मर्जी इन्हां नूं पैसे वंड लै, अजे भी जूदे जागदे प्रेस वाले लोग है ने। तुहाडी हर जिहड़ी है जो तेरे मिनिस्टर ते तेरे एमएलए ने ते सीएमओ च हो रहा, तेरे चीफ सैकटरी कर रहे ने, तेरे प्रिंसिपल सैकटरी कर रहे ने, एक एक चीज लोगों के नशर करांगे, आंदे टाइम च नशर करांगे, इस गल का ही तेन यकीन दवाना चाहते। मैं इन्नी ही गल तेरे सामने, अगला जेड़ा एक्शन प्रोग्राम है उसके बारे अज पार्टी अज असि इत्थे इकट्ठे होए हैं, सीएलपी पीसीसी ते तमाम साडे जेड़े कांग्रेस दे सीनियर लीडर ने, वो सारे विचार करके अगली जेड़ी रणनीति है वो थोनू असि दसांगे, इहदे बारे थोनू जरूर दस। पर बिल्कुल मैं बाजवा साहब की गल नाल हो है कि रोजाना एक बंदा क्यों फड़ना बई, अज बहुत वड्डा कल सारे चैनलों ते
हड़ पीड़ता दियां फलाने घर रुड़ गए जगह वह हो गया वह खबर चल रही सी तुरंत खबर बंद कर दिखा गां और सोनी साहब दबर चल पी जबकि बहुत वड्डी आफत अज पंजाब दे विच आई हुई है सो सारिया नू सारिया दे खोल लिया फिर सारिया नू इक्के वारी फड़के अंदर दे लियो भाई ये रोजाना जान बुझ के तीन क महीने बाद डेढ़ क महीने बाद चोणा दे समय ए सारे दा सारा फोकी मशहूरियां वाली सरकार स्क्रिप्टेड स्टोरी दे तहत हो रहा कांग्रेसी लीडर आने वाले दिनों दे विच आप गिरफ्तारियां देंगे या इंतजार रहेगा तुहानू घर घर आके फड़े असीं ये असीं गल सुन एक मिनट सरकार इन्हें आके फड़न जोगा है असी इनी गल कही है कि तू दस कित्थे आई है वो इन्हे घर की फड़ना इन्हे सानू असी आप ये गल कही कि दस कित्थे आई है समुची कांग्रेस गिरफ्तारियां देने नू तैयार जे इहदे नाल इहदा रांझा राजी हो जाए जे इहनू रात चंगी तरह नींद आंदी है असी गिरफ्तारियां देने नू सरकार दे खिलाफ की करोगे रेवड़ी साहब देखो सरकार दे खिलाफ साडी इही लड़ाई जारी है जिस तरह अज असी सारे इकट्ठे होके आने वाले समय दे विच असी जिहड़े पंजाब दे असी इस गल दे खिलाफ कोई साडी ए नहीं है असी आपदे साथी दे नाल अज हिकड़ा के सारी कांग्रेस खड़ी है पर जेडे असल मुद्दे ने पंजाब दे जिवें मैं तुहानू कहा नशा असल मुद्दा है जिवें लॉ एंड ऑर्डर असल मुद्दा है हेल्थ एजुकेशन असल मुद्दा है फार्मर सुसाइड असल मुद्दा है लोगों नू मुआवजा नौकरियां जिहड़ियां टीचरां नू कुट्टिया जा रहा है असल मुद्दा है इन्हां मुद्दियां ते आने वाले समय च असी एकजुट होके हर गली गली महल्ले महल्ले जाके लड़ाई देखो जी ए इको दम सेहत नहीं खराब होगी वैसे ही बंदा मैं समझदा कि इंसानियत दे नाते सत बगाना भी होवे 18 साल दी उम्र दा व्यक्ति मैं तुहानू पहला कहा जिहड़े पेस मेकर पिया वे जिहड़ा बॉम्बे तों उहनां दी दवाई ऑलरेडी चल रही है सारी दुनिया जानदी है नैचुरली है उहनां दा ब्लड प्रेशर लो होया उन्होंने हो सारिया बहुत जड़ा हार्ट बीट उन्होंने 50 रहेगी वैसे तो तुम समझते हो भी सरकारी अस्पताल उन्होंने रेफर ही नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी अस्पताल से भी कितना कितने टेलीफोन चल रहा होना कि इन्हू रेफर नहीं करना इस करके उन्होंने हालत नू देखते हुए सरकार सरकारी अस्पताल ने रेफर किया उन्होंने सो मैन लगता है कि इस उम्र च बंद 100 बीमारियां होंगे ए जी कोई बहुता चंगा ट्रेंड नहीं है कुछ नहीं लभदा